हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। चावल की खीर सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और ये सबको पसंद भी है। खीर इस खीर को हम किसी भी ओकेजन या फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। मैंने यहाँ एक भारी तरह की कढ़ाई ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने से क्या होगा कि दूध कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और आपकी खीर में जलने की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध से हमारी खीर एकदम मलाईदार रबड़ी जैसी बनेगी। दूध को कंटिन्यूसली हमें तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। याद रखिए दोस्तों, अगर आप दूध को बीच में छोड़ के चले गए तो ये कढ़ाई की तले में लग सकता है और फिर आपकी खीर में जलान की स्मेल भी आ सकती है। तो दूध को उबलने तक चलाते रहिए। देखिए दूध में उबाल आने लगा है, तो अब इस स्टेज पर हम दूध में मिला देंगे राइस। यहाँ मैंने 1/4 कप चावल लिया है। इसे मैंने आधे घंटे तक पानी में भिगा कर रखा था और अब इसे हाथ से थोड़ा सा मसल कर तोड़ देंगे और फिर इसे दूध में मिला देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए दूध के साथ पकाएंगे। याद रहे, फ्लेम हमेशा मीडियम लो पर ही होनी चाहिए और अच्छे से पकाते रहें। और जो भी ये मलाई साइड में लग रही है, इसको भी हम दूध में ही मिक्स कर देंगे। बेसिकली हमें यहाँ दूध तब तक चलाते रहना है जब तक राइस स्टार्च ना छोड़ दे और वो स्टार्च दूध के फैट के साथ जाकर ना मिल जाए। अब हमारी खीर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम मिलाएंगे केसर का दूध। यहाँ मैंने थोड़े से दूध में केसर भिगा कर रखा था, वही दूध अब मैं खीर में डाल रही हूँ। खीर को और केसर के दूध को हम अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा खदकाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ले रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने यहाँ थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके फेवरेट हो। आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है उनको थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अब अच्छे से मिलाएं और खीर गाढ़ी होने तक पकाएं। दोस्तों, खीर में चीनी डालने का वक्त आ गया है। अगर खीर में चीनी नहीं डलेगी तो खीर में मिठास ही नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ 4 चम्मच चीनी डाली है। आप चीनी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। खीर को हमें तब तक पकाते रहना है जब तक चावल और दूध एक साथ ना मिल जाए। खीर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। खीर को जब तक अच्छे से नहीं पकाएंगे तब तक खीर में स्वाद नहीं आएगा। देखिए, मुझे भी यहाँ खीर बनाते बनाते 1.5 घंटा हो गया है। देखिए, हमारी खीर हो गई है तैयार। दूध और चावल एक सा हो गया है, तो समझिए हमारी खीर हो गई है तैयार। कितना अच्छा रंग आया है, कितनी अच्छी, कितनी स्वादिष्ट खीर बनी है। चलो अब इसे सर्व कर लेते हैं।